गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर लास्ट क्लास से किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जब तक सभी लोग ज्वाइन करेंगे। अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए, नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। असाइनमेंट बन रहा है जी? हेलो, ठीक है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम लोग और भी टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन बेसिकली आप लोग का जो क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से ही आता है, तो लेकिन हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज इट सिमिलर टू सेकेंड ऑर्डर में हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग को और वेट कर लेता हूँ आने का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आते रहेंगे लोग। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, a बाय एच प्लस ए। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है। देखिए दो तरह का रिस्पांस आप लोगों को फाइंड आउट देखने सुनने को मिला होगा सिंगल सिस्टम में, इंपल्स रिस्पांस सिस्टम और स्टेप रिस्पांस सिस्टम। तो इसमें जनरली हम लोग स्टेप रिस्पांस सिस्टम ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपल्स रिस्पांस सिस्टम अगर पूछता है तो ट्रांसफर फंक्शन इंपल्स रिस्पांस सिस्टम ये है, तो आप मतलब कि जो इनपुट है एज ए डेल्टी लेंगे और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 लेंगे। ठीक है, तो आर एस Yes. हेलो सर। ये हाँ बोलिए सर, स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं हुआ। नहीं हुआ स्क्रीन शेयर, एक मिनट। शेयर स्क्रीन अभी हुआ जी? यस सर। ठीक है,
ठीक है, तो मान लीजिए कि एक जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसका फर्स्ट ऑर्डर इस तरह डिफाइन हो रहा है ए बाई एस प्लस ए, ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेप रिस्पॉन्स हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस इंटू जी एस, और आर एस क्या स्टेप रिस्पॉन्स हम लोग फाइंड आउट करना है, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, तो सी एस इक्वल टू आर एस, तो वन बाई एस जी एस क्या हो जाएगा ए बाई एस प्लस ए, तो सी एस इक्वल टू वन बाई एस इंटू ए बाई एस प्लस ए, ठीक है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से और इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे कि क्या होता है एस प्लस ए माइनस एस अपॉन वन बाई ए और एस एस प्लस ए, इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा वन बाई ए, वन बाई ए नहीं 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 वन बाई ए क्यों करेंगे, ए तो है ही, सॉरी एक मिनट तो है ही, तो वन बाई एस माइनस एस बाय सॉरी वन बाई वन बाई एस प्लस ए, तो ये सी एस आया, आपका सी टी क्या हो जाएगा सी टी वन माइनस ई टू माइनस ए टी, ठीक है, ई टू पावर माइनस ए टी हो गया, तो आपका ये टाइम कांस्टेंट में आपका ये रिस्पांस फाइंड आउट होगा। अब देखिए इसका जो सी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सी टी मैक्सिमम क्या होगा बताइए आप लोग, सी टी मैक्सिमम क्या हो सकता है बताइए, हेलो है सभी, सीटी बताइए मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये वन हो सकता है कहाँ पे, टी टेंस टू इंफिनिटी पे, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और ये वन रहेगा, हम लोग जो आर एस देते हैं आर एस स्टेप इनपुट दे रहे हैं वन बाई एस, मतलब कि आर एस जो है आर टी के रूप में वन है, तो हम लोग जो डिजायर इनपुट है क्या है वन है, वो हमारा इनपुट आउटपुट भी मेरा डिजायर है क्या वो आउटपुट वन आना चाहिए, तो देखिए इसका रिस्पांस देखिए सी टी यहाँ पे मान लीजिए कि वन है ये नाइन एट सेवन सिक्स थ्री तो ये हमारा वन टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके मैच करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ आपका वैल्यू है तो वो फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि आपका मैं ड्रॉ करता हूँ, वन बाई ए और नाइन्टी ये यहाँ पे है ये समथिंग है और यहाँ पर फोर बाई ए जो होगा यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर थ्री बाई ए है यहाँ पे फोर बाय ए है, तो फोर बाय ए जो आपका है थर्टी का एक मिनट देखिए, तो ये जो आपका हम सभी का आप लोगों को डिफाइन करते हैं यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है क्या है बताइए आप लोग, आप लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पढ़े होंगे यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या है, जो सी टी इक्वल टू वन माइनस ई टू पावर माइनस ए टी है, तो टाइम कांस्टेंट क्या है वन बाई ए इज ए टाइम कांस्टेंट, वन बाई ए इज ए टाइम कांस्टेंट,
ठीक है, तो आपका जो रिस्पांस है फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में कहां तक पहुंच रहा है, तो देखिए फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में कहां तक रिस्पांस पहुंच रहा है, तो मान लीजिए कि सीटी है और टी इक्वल टू सी वन बाय ए पुट करते हैं तो वन माइनस ई टू माइनस ए इंटू वन बाय ए टी इक्वल टू तो वन माइनस ई टू माइनस वन और वन माइनस वन बाय ई, तो इसको जो वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। ये जो आएगा 0.63, मतलब कि आपका जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे आपका जो सीटी है वो फाइनल वैल्यू का 63% रीच करेगा फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये का वैल्यू पुट करके यार और सब कैलकुलेट करके देखिएगा, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। अब है टर्म राइज टाइम, इसको इंडिकेट करते हैं टी आर से, ठीक है। तो राइज टाइम क्या है, जब आपका वैल्यू वेवफॉर्म जो फाइनल वैल्यू से मतलब तो फाइनल वैल्यू का 0.1 से लेकर 0.9 पहुंचने में जो टाइम लगता है that is the rise time. Rise time is defined as the time for the waveform to go from 0.1 to 0.9 of its final value, मतलब कि जो भी आपका final value है, यहाँ पे देखिए final value क्या है, हमारा one है, one जो है हमारा final value है, तो final value 0.1 से लेके जो यहाँ पर जो response है, यहाँ पर 0.1, यहाँ से लेके जो time है, ये नीचे क्या है आपका time है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एक मिनट अरे यार अभी तक सब आ रहे हैं, 22 अटेंडेंस हुआ है, 29 लोग प्रेजेंट हैं, तो अटेंडेंस आप लोग सभी लोग देते जाइएगा। तो देखिए जो 0.1 वैल्यू आप फाइनल वैल्यू का यहां से लेके मतलब कि यहाँ रिस्पॉन्स ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके 0.9 तक पहुंचने में जो टाइम टेकन होगा ये यहाँ तक ये जो वैल्यू होगा दैट इज द राइज टाइम। ये जो आपका वैल्यू है ये टीआर जितना टाइम लिया दैट इज द राइज टाइम, मतलब कि आपका फाइनल आपका जो फाइनल वैल्यू का 1% मतलब 10% से 90% पहुंचने में जो रिस्पॉन्स को टाइम लगता है दैट इज द राइज टाइम। इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं राइज टाइम कैसे, तो हम लोग को देखिए सी टी इज कल टू वन माइनस ई टू माइनस ए टी है, ठीक है। तो हम लोग को कहां से कहां तक का टाइम का डिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए कि सी टी वन पे कितना वैल्यू है 0.1, मतलब कि 0.1 वैल्यू पर वन माइनस ई टू माइनस ए टी वन और सी टी टू पर 0.9, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस ई टू माइनस ए टी टू। अब क्या है हम लोग को क्या करना है कि दोनों को रिस्पॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये अब पहले नहीं टी वन पहले निकाल लीजिए टी टू निकाल लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो दैट इज द राइट टाइम निकल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई टू माइनस ए टी वन इक्वल टू 0.9 और यहाँ से एलन 0.9 इज इक्वल टू माइनस ए टी वन और टी वन इज इक्वल टू ये माइनस इधर लीजिएगा तो एलन वन बाई 0.9 और
ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह टी टू इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन टू, देखिए बुक में डेरिवेशन नहीं दिया है, आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा बढ़िया से, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू तो आपको सी टू इक्वल टू 0.92 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू माइनस ए टी टू इक्वल टू 0.1 0.1। अब क्या है बोथ साइड एल एन 0.1 इज इक्वल टू माइनस ए टी टू और नेगेटिव हटाइएगा तो एल एन 1/0.1 और ए टी टू और टी टू इज इक्वल टू एल एन 1/0.1 / a। अब क्या है राइज टाइम की इक्वल टू क्या हो जाएगा टी आर इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। अब पुट कीजिए क्या आता है, तो आपका एल एन 1 - 0.1 अपॉन ए माइनस एल एन 1/0.9 अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा ए एल एन और एम बाई एन, तो ये 0.9 अपॉन 0.1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 0.1 आ जाएगा कैंसिल, 9 आ जाएगा एल एन 9 का वैल्यू आप पुट कर देख लीजिएगा तो 2.2 के आसपास आएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 अपॉन ए आपका राइज टाइम। ये किसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, अब जैसे कि सिस्टम का वैल्यू मान लीजिए कि जीएस इक्वल टू कोई सिस्टम दिया हुआ रहेगा 2 / s+2। अब यहाँ पर क्या है, अब राइज टाइम बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो ए के जगह पर क्या है 2 है, अब पुट कर लो टी आर इक्वल टू 2.2 / 2 इट विल बी द 1.1 सेकेंड। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी तक किन्हीं को डाउट है ये डेरिवेशन में तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है तो कुछ तो जवाब दीजिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ राइज टाइम कैसे फाइंड आउट किए। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जी क्लास में। हेलो अंकित। यस सर समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं रहा तुम लोग, आप लोग कुछ बोलते हैं नहीं। पूनम नहीं, भी नहीं लगता है। अब देखिए सेटलिंग टाइम है, एक और टर्म है सेटलिंग टाइम, सर हम लोग को राइज टाइम में बस खाली राइज टाइम तक ही निकाल कर छोड़ना होगा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। हाँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए मतलब देखिए आपको मान लीजिए कि कोई सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि जीएस इक्वल टू 4/s+ मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है और s+4 नहीं जगह पर मान लीजिए कि 4/s+8 दिया हुआ है, अब बोलेगा राइज टाइम निकालने के लिए, तो आपको राइज टाइम सिर्फ निकालना है, तो टी आर मतलब कि राइज टाइम दे रहा है तो डिराइव नहीं करना है, तो टी आर इसको क्या करना होगा 1/2 × 8/s+8 आप इस तरह लिख सकते हो। तो आप देखोगे ना 1/2 का कोई मीनिंग नहीं है ये साइड में, तो यहाँ पर एक फॉर्म में क्या हो गया 8 आ गया, तो टी आर इक्वल टू आपका टी आर क्योंकि ये दोनों दो टाइम का डिफरेंस है ना, तो ये तो है ना बाहर में कॉन्स्टेंट, ये जो आप करोगे ये हट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये जो है 8 मतलब कि 2.2/8 रख दोगे दैट इज द सेकंड। अगर ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा मतलब कि तो वहां पर डायरेक्ट आपको तो बोलेगा भी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, आपको तो देखना होगा कि आपको जीएस इक्वल टू दिया हुआ है तो आपको वहां से फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। अगर बोल दिया तो बात ही अलग है, अगर लिख देगा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये है
तब तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोल रहा है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है बोल रहा है तो जीएस दिया हुआ है तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना ये फर्स्ट ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो वहां से आपको 2.2/8 या जो भी वैल्यू है रख के राइट टाइम निकाल लोगे। डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन पूछता है तो आपको डिराइव करना होगा इस तरह से कि जीएस इक्वल टू जो है फिर सीएस इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा और उसको सीटी निकालना होगा। सीटी निकाल के फिर जो राइज टाइम का डिफिनेशन है, राइज टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर वेवफॉर्म टू गो फ्रॉम 0.1 से लेके 0.9, ये सेकंड ऑर्डर में भी यही चीज होता है। तो ये डिफिनेशन ही राइज टाइम का, ये सबके लिए सेम होता है। तो आपको वहां से फिर कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा देखने में, समझ में नहीं आ रहा है, तब डिराइव कर लो। अगर वो भी देखना होगा कि मार्क्स कितना है। अगर मार्क्स मान लीजिए कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलेगा कि राइज टाइम डिफाइन कीजिए और राइज टाइम को डिराइव कीजिए, तब तो आपको पूरा डिराइव करना होगा। जनरली डिराइव डेरिवेशन जो है ना वो नहीं पूछता, अगर पूछेगा भी ना तो सेकेंड ऑर्डर का पूछेगा, वो और रॉन्ग होगा, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग मतलब क्या हुआ, सेटल सेटल डाउन मतलब कि आपका जो मैटर है या जो भी है रिस्पॉन्स सेटल डाउन हो रहा है उससे आगे। तो होता क्या है ना, जनरली ये फर्स्ट ऑर्डर में तो साफ चला गया, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में जो रिस्पॉन्स जो आता है मैं बता रहा हूँ इस टाइप का आएगा, या आप स्काडा का देखोगे ऐसे 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 करके ऊपर नीचे होते चला जाएगा, इस टाइप का सेटल डाउन होगा। या मतलब कि बहुत ज्यादा पीक राइज अप होगा, ऐसे करके धीरे 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 लास्ट में जाके सेटल डाउन होगा। तो इस ये जो आपका जो ये तो आपका डिजायर आउटपुट है, मतलब कि जो सीटी है ये है डिजायर आउटपुट ये है, और ये इससे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, लेकिन फाइनली एक ऐसा वैल्यू आएगा जो कि जो डिजायर वैल्यू का 98% के आसपास आ जाएगा। मतलब कि जो है रहेगा ही, ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन इससे 2% उभर एवव 2% नीचे तक में आके आ जाएगा। तो इस जितना टाइम टेकन लगता है उतना तक में आने के लिए, मतलब 98% आने में उसका पहुंचने में, तो दैट इज द सेटल टाइम, उसको हम लोग सेटल डाउन करते हैं। देखिए आपका एग्जैक्ट जो है ना शार्प, वो सिमुलेशन में ही देखिएगा कि आप शार्प जो है ना शार्प एग्जैक्ट वो सिमुलेशन में आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप देखोगे ना तो वो जो ऊपर ऐसे ऐसे नीचे नीचे ऊपर नीचे करके ही आपका आते रहेगा रिस्पांस, वो एग्जैक्ट जो मतलब कि एग्जैक्ट शार्प मतलब कि नहीं चलते जाएगा, ऊपर नीचे हल्का हल्का ऊपर नीचे वो होते रहेगा, समझे। तो लेकिन अगर आपका 98% रिस्पांस पहुंच रहा है, मतलब कि जितना है मान लीजिए कि ये 1 है था, तो 0.98 तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज द सेटल टाइम। ये जो टाइम है ये रिस्पॉन्स पहुंचने में, दैट इज द यहाँ पर है ये वाला टाइम, यस दैट इज द सेटल टाइम। ठीक है, तो इसको डिफाइन किए हैं, अब इसको थोड़ा सा लिख के और मतलब कि इसका डिराइव कर देते हैं। तो सेटल टाइम सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड stay within 2% of its final value, its final value। तो 2% of its final value मतलब कि ऐसा नहीं है कि नीचे ही आएगा, मतलब कि 98 हो सकता है तो 102 भी हो सकता है, मतलब कि ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर में है ना, फर्स्ट ऑर्डर में ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे से ही जाते रहता है, जो पीक है ना फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आता है, जो ये सेटल है ये इस तरह ही जाएगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जब आपका है क्या ऊपर नीचे पीक आते रहता है, तो आपको वहां पर देख सकते हैं कि 98 से लेके आपका 102% तक जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
सी टी इक्वल टू हम लोग को जानते हैं 1 माइनस टी टू माइनस ए टी, ठीक है। तो हम लोग को सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो सी टी एस इक्वल टू वन माइनस टी टू माइनस ए टी एस। हमारा फाइनल वैल्यू क्या था जी, 1। तो 1 का 98% 98/100 है ना, तो क्या आ जाएगा 0.98। तो फिर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0.02 इक्वल टू ई टू माइनस ए टी एस, और लॉगरिथमिक सब लेके कैलकुलेट करके फाइंड आउट करोगे तो टी एस इक्वल टू 4/8 आएगा, दैट इज द सेटल टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कुछ भी डाउट है तो बोलिए। अब देखिए क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है। ए सिस्टम हैज एज ए ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 50/S+15। Find the time constant TC settling time TS and rise time find out कीजिए तो सर rise time here देखिए यहाँ पर देखिए आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन आपको ट्रांसफर फंक्शन देखने से क्या पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो आपको टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम निकालिए, कीजिए सब ही और बताइए क्या होगा। टी सी टी एस और टी आर हो पाएगा जी, फिनिश हुआ सॉल्व, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा कर रहे सर। हाँ सर देख एक भी तो, हाँ
देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग उतना टाइम क्यों ले रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन है तो वहाँ 50 अपॉन एस प्लस 50 है, तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या है 50 है, ठीक है। तो टी सी इज कल टू 1/ए हम लोग देखे थे, तो 1/50 तो क्या हो जाएगा 0.02। सेटल टाइम क्या है 4/ए डेफिनेशन के अनुसार, ये क्या आ जाएगा सेटल टाइम 0.08 सर, 0.08 और ये 2.2 अपॉन 0.044 50, तो 0.044 ये सारा सेकेंड ये आंसर होगा। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। एग्जाम में नहीं बोल लेंगे, यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं आया दी अभी तक। 9 सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डिफरेंट टाइप का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डीएस है बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस, छोड़िए आप कैसे बता रहे हैं, एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 थीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। एक ये पॉसिबिलिटी है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, एक जीएस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। एक ये पॉसिबिलिटी है इसका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ से ये जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हुआ, ठीक है। तो ये जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा के वैल्यू के अनुसार, इसके अनुसार आपका डिफरेंट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फाइंड आउट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप देखिएगा इसको एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो, जब आप पोल्स फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एस 1 2 इक्वल टू 2 वैल्यू हम लोग जानते हैं, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस बी जो होता है इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4 √ माइनस बी प्लस माइनस √ माइनस 4 AC अपॉन 2A करते हैं। तो यही चीज आप लोग यहाँ पर कीजिए, तो बी के जगह पर क्या है माइनस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस माइनस √ तो ओमेगा एन 4 माइनस आपका 4 AC एक मिनट बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2A हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये बी होगा बी और ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ये इस पर होता है, ये इस तरह डिफाइन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह डिफाइन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो ये आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है देखिए एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं एक्स 1 2 माइनस बी प्लस माइनस √ माइनस 4 AC अपॉन 2A। तो यहाँ पर जो आप कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो S12 इक्वल टू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस बी
टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन टू ए ये टू तो माइनस टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस और प्लस माइनस यहाँ से आप फोर ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो फोर ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा टू ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए आप इसको और कर सकते हैं टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अब इसको माइनस कॉमन लोगे तो रूट अंडर माइनस वन क्या हो जाएगा जे कॉम्प्लेक्स नंबर जे टू ओमेगा एन और रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन टू तो ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो एस वन टू इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये क्या निकला ये पोल्स का पोजीशन निकला सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का तो एक पोल्स क्या होगा एस वन इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस 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 जे ओमेगा एन रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर और एस टू निकला माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है तो ये दो दो पोल्स का पोजीशन निकला लेकिन ये जो पूरा पोल्स का पोजीशन किस पर डिपेंड कर रहा है ये जीटा पर। अगर जीटा जीरो हो गया तो ये जीटा जीरो हो जाएगा तो ये सिर्फ कम्प्लेक्स वैल्यू आएगा कम्प्लेक्स वैल्यू आएगा। जीटा वन हो गया तो सिर्फ रियल वैल्यू आएगा आप देखोगे कि पूरा रियल वैल्यू डिफाइन हो रहा है और जीटा लेस देन वन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स है जीटा ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो फिर रियल हो जाएगा रियल कंजुगेट हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ना इसको नेक्स्ट क्लास में पोल्स का पोजीशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग का डिफाइन होगा क्रिटिकली डैम सिस्टम क्रिटिकली सिस्टम अंडर डैम सिस्टम ओवर डैम सिस्टम। तो अंडर डैम सिस्टम जो होता है जीटा लेस देन वन के लिए अंडर डैम सिस्टम होता है। अंडर डैम सिस्टम मतलब क्या जो सेटल डाउन होगा जो पीक अप एंड डाउन देख रहे थे वो ऐसा सिस्टम का सेटल डाउन होगा लेकिन जो ओवर डैम सिस्टम होता है वो सेटल डाउन नहीं होता है। जितना भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं जितना भी हम लोग जो सिस्टम एनालिसिस करते हैं हम लोग अंडर डैम सिस्टम का सिस्टम एनालिसिस करते हैं। क्यों क्योंकि इसका परफॉर्मेंस हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओवर डैम सिस्टम जो है ना उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही क्रिटिकली डैम सिस्टम हम लोग यूज करते हैं क्योंकि क्रिटिकली डैम सिस्टम को भी अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग जितना भी सिस्टम यूज करते हैं जनरली जो हम लोग मॉडिफिकेशन के लिए या एनालिसिस के लिए वो अंडर डैम सिस्टम करते हैं। तो कौन सा सिस्टम किस कंडीशन पर क्या कहलाएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर कल वाला नोट सब अपलोड नहीं किए हैं। अच्छा कल वाला नहीं अपलोड हुआ था आज भी अपलोड कर देंगे कल वाला देखना।